अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ डस्का में। जैसा कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि डस्का जो कि हिस्टोरिकल सिटी है, जो कि शाहजहाँ के दौर में जो है इसको आबाद किया गया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर मुख्तलिफ हवेलियाँ बनाई। तो मज़ीद इसको दिखाते हैं आपको, मेरे साथ रहिएगा। आप जब डस्का कलां में दाखिल होंगे तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आएंगी, जिसमें शाहजहाँ के दौर और राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। ये जो बिल्डिंग है ये अंग्रेज़ दौर की है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि बहुत कम लोग डस्का की तारीख और अहमियत के बारे में जानते हैं। डस्का शाहजहाँ के दौर में कायम हुआ। एक रवायत के मुताबिक 10 को, यानी कि दा से मुराद 10 का हिस्सा, 10 और को से मुराद फासला मापने का पैमाना। डस्का वो मरकज़ी जगह है जहाँ से 4 शहर मगरिब, मशरिक, शमाल, जनूब दै को के फासले पर वाक़िया हैं, जिनमें पसरूर, सियालकोट, गुजरांवाला और वज़ीराबाद शामिल हैं। एक दूसरी रवायत के मुताबिक हिंदू ख़ानदान के नाम से ये जो शहर था किसी दौर में आबाद था, यानी कि एक हिंदू दास था जिसके नाम से इसको बाद में डस्का के नाम से जो है वो मंसूब कर दिया गया। यहाँ इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं कि कुछ तो मुनद्दम हो चुकी हैं। यहाँ की तंग गलियाँ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पर कभी शहर आबाद हुआ करता था। ये डस्का कलां कहलाता है। आप जब भी कभी डस्का की विज़िट के लिए आएँ तो यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स को देखना मत भूलिए। ये देखिए पुराने दरवाज़े, उस दौर की पुरानी हवेलियाँ, आज भी इनके दरो दीवार नज़र आ रहे हैं आपको। आपको मज़ीद तंग गलियों में लेकर जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो चाहते हैं कि उनको हर वो पुराना शहर, हर वो पुरानी जगह दिखाई जाए जिसका वो शौक़ रखते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके। ये बहुत पुरानी हवेली है, राजा रंजीत सिंह के दौर की है। दरवाज़े आज भी वही हैं। एक चाचा मेरे साथ साथ था जिसको भी मेरी वजह से जो है वो शौक़ हुआ और वो कहने लगा कि मैंने आज तक वाकई लच्छा तो बेचा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर इतनी पुरानी भी बिल्डिंग्स हैं। मेरे साथ साथ उसने काफ़ी विज़िट किया। और एक ये देखिए, ये भी राजा रंजीत सिंह के दौर की एक पुरानी हवेली थी, बिल्कुल आर्किटेक्चर वही है। सर्जरी और एग्रीकल्चर मशीनरी जो है वो भी डस्का से ही तैयार होती है।
और इकबाल का शहर और पहलवानों के शहर के दरमियान ये डस्का जो है ये पुल की जो है वो हैसियत रखता है। मैं आपको बता रहा था कि शाहजहाँ के दौर में इसको आबाद किया गया और जब मैंने इसे विज़िट किया है तो यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल पुरानी जो हैं वो बिल्डिंग्स मौजूद हैं लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। इस गली में आपको ये देखे दिखा रहा हूँ मैं एक पुरानी बिल्डिंग जो कि तकरीबन 2 मंजिल है और इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे चलें तो लेफ़्ट जानेब एक बोर का दरख्त है उसके साथ बहुत बड़ी एक बिल्डिंग थी जो गिरा दी गई है और इसके दाएं बाएं जो हैं वो बारीक ईंट से बने पुराने जो घर हैं वो मौजूद हैं। जब पार्टीशन 1947 हुई तो तकरीबन 5000 के करीब जो लोग थे वो डस्का कैंप में आए और यहाँ पर उनको जो है मुख्तलिफ जो घर हैं जो हवेलियाँ हैं वो उनको रहने के लिए मिली। ये अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ जो है कश्मीर महल है, यहाँ पर ये देखिए कश्मीर हाउस लिखा हुआ है। ये 3 मंजिला इमारत पर मौजूद है, इसके नक्श निगारी बहुत कमाल की है। यहाँ पर जो हैं हिंदू खत्रियों के बहुत सारे घर थे और ये उस दौर का मुंह बोलता सबूत है कि उनके जो दरवाज़े खिड़कियां हैं आज भी मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और भी इस तरह की हवेलियां डस्का की मेरे पास मौजूद हैं जो नेक्स्ट किसी और जो है वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।